बर्नौलेज इक्वेशन से काफी हद तक वाकिफ हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बर्नौलेज इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशन को डिस्कवर किया था, उसको डिफाइन किया था। आज की वीडियो में भी हम लोग बर्नौलेज इक्वेशन पर ही बात करेंगे। बर्नौलेज इक्वेशन में हम लोगों ने कहा था कि पी प्लस वन बाई टू रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि ये फैक्टर कॉन्स्टेंट होता है। हमने कहा था कि हम बर्नौलेज इक्वेशन में कोई सा एक फैक्टर कांस्टेंट रख लेते हैं और दो के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बास फैक्टर थ्योरम्स में हाइट को कांस्टेंट करके प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, इसी तरह बास में हम लोग प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रख के वेलोसिटी और हाइट के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली आज की वीडियो में भी ऐसा ही है। हमारे पास एक पाइप है जो कि बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पर पड़ा हुआ है, जिसकी हाइट बिल्कुल इक्वल है, यानी कि हाइट कुछ भी नहीं है, वो ग्राउंड लेवल पर है। तो हमारी जो हाइट है वो कॉन्स्टेंट हो गई या वो ज़ीरो हो गई, यानी कि हमने इस वीडियो में इस पाइप के लिए ये लेट कर लिया है कि हमारी जो हाइट है वो कांस्टेंट है, हाइट है ही नहीं, जीरो है, मतलब कांस्टेंट फैक्टर हो गया हमारा जो हाइट है। अब हमारे पास ये पाइप के डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं। अब देखा जाए तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से लेट कर लेते हैं कि ये ए वन है। सिमिलरली ये ए वन की तरह है, बिल्कुल ए वन के इक्वल है, तो इसे ए वन डैश कह देते हैं। और ये ज्यूम कर लेते हैं कि ए वन और ए वन डैश एरिया जो है वो बिल्कुल इक्वल ही है, क्योंकि देखने में भी इनके साइज जो है वो बिल्कुल एक एक जैसे लग रहे हैं। और अब अगर इस एरिया पर गौर किया जाए, यहाँ से भी तो हम लोगों ने थोड़ा सा आउटलेट बनाकर यहाँ पर भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया है ना, तो ये वाला जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे ए थ्री कह देते हैं, बल्कि इसे नहीं ए थ्री कहना चाहिए था, मुझे ए थ्री इसे कहना चाहिए कि हमारा ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, जहाँ से ये हमारा आउटलेट निकल रहा है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ए टू लेट कर लेते हैं। ये ए टू है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया। और फिर पाइप थोड़ा सा तंग हो जाए अगर किसी भी फ्लोइड के लिए, यहाँ से अगर तंग हो जाए तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू है। सिमिलरली थोड़ी अर्से के बाद जो है पाइप वापस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो जाता है, जैसे हम लोगों ने ए वन डैश लेट कर लिया। अब हम करते ये हैं कि जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, इसमें हम एक छोटा सा आउटलेट बना लेते हैं। सिमिलरली यही काम अगर हम यहाँ पर आउटलेट बनाएंगे तो उसमें भी सेम वही प्रोसीजर होगा जो इस वाले आउटलेट में होगा, क्योंकि दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसे हैं। लेकिन जो यहाँ पर आउटलेट हम बनाएंगे उसका जो है काम डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एज़ कम्पेयर टू ए वन या ए वन डैश के बहुत ही कम है। ये दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल बराबर है, बट ए टू का इनके मुकाबले में बहुत ही कम है। अब हमें ये देखना है कि ए वन वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो हमने आउटलेट बनाया, अब अगर हमें ये देखना पड़े कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पर जो हमने आउटलेट बनाया है, इसमें इसी आउटलेट को कह देते हैं कि ये पी वन है, यहाँ पर क्या प्रेशर है, और जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू पर आउटलेट बनाया है जिसे हम पी टू कह देते हैं, यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर जो प्रेशर हम लोग फाइंड आउट करना है उसे पी टू कह देते हैं, और जो यहाँ पर फाइंड आउट करना है उसे पी वन कह देते हैं, क्योंकि जो प्रेशर यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में होगा, सिमिलरली वही प्रेशर वो इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर होगा। क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है कि जो दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं ए वन और ए वन डैश, दोनों ही बराबर हैं, सिर्फ ए टू जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इनके मुकाबले में बहुत ही छोटा है। अब अगर हम बर्नौलेज इक्वेशन लिखें जो कि है पी वन, इस चीज़ को हम लोग वन की फॉर्म में लिख लेते हैं और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को टू की फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर होगा वो सिमिलरली इसी प्रोसीजर के बराबर होगा। तो पी वन प्लस वन बाय टू रो वी वन स्केयर प्लस रो जी एच वन, बल्कि एच वन नहीं क्योंकि हाइट तो हमारी है ही सिमिलर, तो हमें एच लिखना चाहिए एच, और यहाँ पर प्रेशर पी टू प्लस वन बाय टू रो वी टू का स्केयर प्लस रो जी एच। अब देखा जाए चूँकि हमने कहा था कि जो हमारी हाइट है वो तो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि वो हाइट तो है ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर हमारा जो है पाइप पड़ा हुआ है, पाइप इस किस्म का है कि इतना से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर इसे दबा दिया गया और फिर इसको ओपन कर दिया गया इस तरह से, और ये ग्राउंड लेवल पर ही पड़ा हुआ है, तो इसकी जो हाइट है हाइट तो ज़ीरो हो गई। इस वजह से हम लोग हाइट ज़ीरो होने की वजह से दोनों फैक्टर जो हैं वो दो इक्वेशन के दोनों साइड पर कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो इस तरह से है कि पी वन प्लस वन बाई टू रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टू प्लस वन बाई टू रो वी टू स्क्वायर। अब एक बात पर गौर किया जाए कि हमारा जो इस आगे वाला पोर्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन वाला,
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि हमारा जो ए वी होता है वो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो ए है वो इनवर्सली रिलेशन है वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब ये है कि जिस जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड बहुत ही कम होती है। अब एक और बात देखी जाए कि इस चीज़ को तो हम लोगों ने रिमाइंड रखना है ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। अब देखा जाए तो जो प्रेशर है, अगर मैं उसे इस तरह से लिख लूँ कि दोनों जगह पर ही है, प्रेशर 1/2 रो वी स्क्वेयर जो है, ये चीज़ जो है हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर है, यानी कि P1 और P2 दोनों ही है जो ये कांस्टेंट फैक्टर के बराबर आते हैं। और अगर मैं P और V के दरमियान रिलेशनशिप निकालना चाहूँ तो इस इक्वेशन से हम लोग जो है वो रिलेशनशिप बता सकते हैं कि P और V के दरमियान जो रिलेशन है वो भी इन्वर्सली आता है। ये इन्वर्सली इस तरीके से आता है कि जिस जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उस जगह पर जो फ्लूइड की स्पीड है क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा वाले इलाके में, वहाँ पर स्पीड तो कम होगी, और जहाँ पर स्पीड कम होती है हमेशा उस जगह पर जो प्रेशर होता है फ्लूइड का वो हमेशा मैक्सिमम होता है। सिमिलरली एक ऐसा एरिया जहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम है वहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा होगी, और जिस जगह फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है उस जगह उसका प्रेशर जो है बहुत ही कम होता है, यानी कि एरिया का इन्वर्स रिलेशनशिप है वेलोसिटी के साथ। सिमिलरली जो प्रेशर है उसका भी इन्वर्स रिलेशन होता है स्पीड के साथ। मैं बार बार वेलोसिटी कह जाती हूँ लेकिन ये स्पीड है, यानी कि फ्लूइड की स्पीड। जिस जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वहाँ पर फ्लूइड की जो स्पीड है वो बहुत ही कम होती है, और जिस जगह स्पीड बहुत ही कम होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा फ्लूइड है वो राइज कर जाता है इस तरह से, और जिस जगह हमारी जो फ्लूइड की स्पीड है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 वाले इलाके में, वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो प्रेशर है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम राइज करता है, जबकि ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले इलाके में ये बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड के दरमियान। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जैसे कि स्पिनिंग ऑफ बॉल वगैरह है। स्पिन ऑफ बॉल को भी हम इस रिलेशनशिप में रख सकते हैं, ये भी बर्नौली इक्वेशन की ही एक एप्लीकेशन है, जिसके मुताबिक जब विंड चल रही होती है और आप जो जो भी क्रिकेटर है या बास्केटबॉल जो भी खेलता है, कोई भी बॉल है उसे जब आप थ्रो करते हैं फेंकते हैं तो हमारा जो बॉल है वो स्पिन करता है, अगर स्पिन करते हुए मूव करे इस तरह से उसको फेंका जाए कि हवा जो चल रही है हवा बॉल की एक तरफ पर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग कर रही होती है और एक जगह पर बहुत ही स्लो मूवमेंट कर रही होती है जो हमारी विंड है जो चल रही होती है। अब इससे क्या होता है कि बॉल की उस साइड पर जहाँ पर विंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और अमूमन जो है बॉल जो है बॉल के ऊपर जो है हवा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो स्पीड है ओके वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, ग्रेटर, और यहाँ पर जो है वो लेस स्पीड होती है, लेस स्पीड ऑफ एयर, यहाँ पर उसकी लेस स्पीड होती है। तो हमने कहा था कि जिस जगह पर स्पीड कम हुआ करती है हमेशा उस जगह पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और यहाँ पर हमारा लो प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है वो एयर की ज़्यादा है। अब होता ये है कि हमेशा जो चीज़ें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, तो जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल जो है वो स्पिन मोशन शो करती है। स्पिन मोशन इसलिए शो करती है कि हमेशा जो है विंड जो है उसकी स्पीड जो है लोअर पे बॉल के नीचे वाली साइड पर बहुत ही कम होती है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो होता ये है कि लोअर प्रेशर से ऊपर वाले प्रेशर की तरफ बॉल जो है मूव कर जाती है और बॉल की जो मूवमेंट है वो स्पिन टाइप हो जाती है, यानी कि बॉल स्पिन करते हुए सीधी डायरेक्शन में और उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी तो टिल्ड कर जाती है और वो स्पिन में मूवमेंट शो करता है। इसी तरह जिस तरह बॉल में हाई और लो प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है स्पीड के साथ, कि जहाँ पर स्पीड लेस होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और जहाँ पर स्पीड जो है वो ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर लो होगा, तो एज अ रिजल्ट होता ये है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो मूवमेंट होती है तो स्पिन और जो बॉल की मोशन है वो स्पिन टाइप हो जाती है। सिमिलरली जो अपलिफ्ट ऑफ एरोप्लेन है, यानी कि जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं जो वो मूवमेंट शो करते हैं, तो उनके जो नीचे विंग के नीचे की साइड पर हमेशा जो है प्रेशर जो है वो हाई होता है। प्रेशर हाई होने की वजह ये है कि नीचे की तरफ तो हवा बहुत ही कम चलती है, स्पीड ऑफ एयर जो है वो नीचे की तरफ बहुत लो होती है,
जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो नीचे वाली साइड पे बहुत ज़्यादा हाई होता है विंग की, और ऊपर वाली साइड पे जो है हमारा प्रेशर लो होता है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे हवा बहुत तेज़ी से चल रही होती है, स्पीड ऑफ एयर जो है वो यहाँ पर हाई होती है। तो ये दोनों इनवर्स रिलेशन है, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब चीज़ें मूवमेंट शो करती हैं तो होता ये है कि हमारे विंग जो है एरोप्लेन उड़ता इसी वजह से है कि हाई प्रेशर से अप लो प्रेशर की तरफ जब वो मूवमेंट शो करता है तो हमारा एरोप्लेन उड़ता है, क्योंकि हमारे प्रेशर और जो स्पीड है इनमें इनवर्स रिलेशन है, इसी वजह से जो है एरोप्लेन मूव कर पाते हैं। सिमिलरली जो मोशन ऑफ शिप्स हैं, जो दो शिप जो हैं वो मूवमेंट शो कर रही हैं सी के अंदर हैं, तो वो अगर बहुत ही नज़दीक हैं तो ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से अगर वो बहुत ही क्लोज है तो यहाँ पर इस पोस्टर में जो स्पीड है फ्लूड की स्पीड हाई होती है, स्पीड हाई होने की वजह से जो इस पॉइंट पर प्रेशर है वो बहुत ही कम होता है, जबकि इसकी दोनों साइड्स पर इस और इस साइड पर जो है वो लो स्पीड होती है फ्लूड की, तो लो स्पीड होने की वजह से इन दोनों ही साइड्स पर जो है प्रेशर हमारा हाई होता है। और हाँ, हमेशा जो है हाई प्रेशर से हमने बात की है कि लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है, तो एज अ रिजल्ट होता ये कि दोनों जो है बोट्स एक दूसरे की तरफ मूवमेंट शो करती हैं और दोनों कोलाइड कर जाती हैं, क्योंकि ये दोनों हाई प्रेशर से मूवमेंट शो करती हैं, दरमियान में तो बहुत ही कम प्रेशर होता है। तो होता ये है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो मूवमेंट होती है इनके साइड से जब इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि साइड पर तो जो स्पीड है फ्लूड की बहुत ही कम है, तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रेशर ज़्यादा होता है वो इन दोनों को बहुत ही नज़दीक लाता है, जिसकी वजह से इनमें कोलाइजन हो जाती है। सिमिलरली जो हमारे बंसन बर्नर होते हैं और जो पेंट स्प्रे होते हैं वो भी बर्नौली क्वेन की ही एप्लीकेशन है, जिनमें कि प्रेशर और स्पीड का जो है रिलेशनशिप इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों में भी यही स्पीड और प्रेशर का ही रिलेशन आता है, दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, और ये सारी की सारी एग्जांपल जो है बर्नौली क्वेन की ही हैं, लेकिन इनमें प्रेशर और जो स्पीड है वो ज़्यादा मेजर फैक्टर रखते हैं, इस वजह से हम लोग इन्हें स्पीड और प्रेशर के रिलेशनशिप में ले जाते हैं, जो कि बर्नौली क्वेन का ही एक थ्योरम है। तो काफ़ी हद तक आपको स्पीड और प्रेशर में रिलेशनशिप समझ आ चुका होगा कि प्रेशर और स्पीड में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है।